एसएएफ मैदान रीवा में आयोजित जन दर्शन कार्यक्रम पश्चात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के तहत बहनों को रक्षा बंधन का तोहफा देते हुए 1209 करोड़ रुपयों की राशि लाडली बहनों के खातों में जमा की। इसके पहले सरकार द्वारा योजना की दो किस्तें जारी की जा चुकी है। रीवा में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण खंडवा नगर निगम परिसर में बड़ी एलईडी के माध्यम से दिखाया गया, जिसे देखने बड़ी संख्या में लाडली बहनें उपस्थित हुई। मुख्यमंत्री के लाइव संबोधन पश्चात खंडवा नगर निगम के मंच से महापौर अमृता यादव, विधायक देवेंद्र वर्मा सहित भाजपा नेताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। और आज जो यहाँ बहनें एकत्रित हुई हैं, कहीं ना कहीं रक्षाबंधन का हम सब एक उपहार उनको दे सकते हैं, तो वह अपने मत के रूप में दे सकते हैं और अपने समर्थन के रूप में उनको क्या दे सकते हैं, अपना मत दे सकते हैं। और आज जो बहने यहाँ पर सभी जिनको तीसरी किस्त मिलने जाने वाली है, हम सभी अपने हृदय से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करें, क्योंकि वह जितनी योजनाएं चलाते हैं सब गरीब कल्याणकारी योजना है, चाहे वह मुफ्त सिलेंडर हो, चाहे मुफ्त अनाज हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे जितनी भी योजनाएं चल रही है आप लोगों के हित के लिए चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हम खुशहाली लाएं, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन एक अच्छा जीवन हो, किसी के परिवार में कोई परेशानी ना आए। इसके लिए आपके स्वास्थ्य से लेकर रहने से लेकर आपके खाने तक की चिंता भारतीय जनता पार्टी ने की है। कार्यक्रम पश्चात लाडली बहनों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राखी का त्योहार करीब है। इस समय मुख्यमंत्री ने तीसरी किस्त के रूप में उनके बैंक खातों में 1,000 रूपये जमा किए हैं। यह मुख्यमंत्री द्वारा अपनी बहनों को राखी का तोहफा है। उन्होंने ये तोहफा हमको बहुत अच्छा दिया। इस रक्षाबंधन पे हमको सबसे बढ़िया तोहफा उनकी तरफ से मिला है और ये हमारी तीसरी किस्त डलने वाली है। दो किस्तें ऑलरेडी डल चुकी है, ये हमें बहुत ज्यादा फायदा दे रही है और हर महीने हमारे खाते में 1,000 रूपये डल जाते हैं और हम बहुत खुश है सर। और आगे भी हम लोगों को बहुत सी योजनाएं उनकी तरफ से मिलनी चाहिए और मैं चाहती हूँ उन्होंने 1,000 रूपये डाले, अब वो ऐसी कोई योजना लाए कि हर घर की महिलाओं को कुछ ना कुछ रोजगार दिया जाए। मेरी तरफ से यही वापसी में निरोध। धन्यवाद, किस तरह देंगे? धन्यवाद सर, यही है कि बस हमारा भाई है वही है शिवराज सिंह चौहान जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा राठौड़। वहीं अन्य बहनों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वे जल्द ही लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाकर उनके खातों में जमा करेंगे, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होगी। मेरा नाम पूजा सावले और भैरतला वार्ड से सम्मति नगर की निवासी हूँ। मैं मामा जी की इस योजना से बहुत प्रसन्न हूँ कि उन्होंने लाडली बहना योजना शुरू की है, जिससे महिलाओं को आर्थिक और समाज में भी इज्जत मिली है, गौरव मिला है। और जो उनकी छोटी छोटी समस्या है, जैसे बच्चों की स्कूल में किताब कॉपी लेना, बच्चों के लिए ड्रेस लेना और जो भी छोटी छोटी आवश्यकताओं की जरूरत होती थी वो पूरी नहीं कर पाती थी, जिसे मामा जी द्वारा जो 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं उससे वो उनकी पूर्ति कर पाते, इससे वो बहुत खुश है, हम लोग बहुत खुश है और हमारे परिवार में भी बहुत खुशी है। आज 10 अगस्त को लाडली बहना योजना की तीसरी किस्त डल रही है। पूरे जिले में लगभग 2.25 लाख महिलाओं को लाभ मिला और खंडवा शहर की बात करें तो लगभग 25,000 महिलाओं को लाडली बहना का लाभ मिला है। और पिछले माह जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि वो 21 से 23 साल की महिलाओं को भी लाभ देंगे, तो 21 से 23 साल की महिलाओं का भी पंजीयन लगातार हो रहा है। इसकी आखिरी तारीख 20 अगस्त है। 20 अगस्त तक 21 से 23 साल की विवाहित महिलाएं भी अपना पंजीयन करा सकती है। इस प्रकार 21 से 60 तक की महिलाओं को अगले महीने से जिनका पूर्व में पंजीयन हो चुका है उन्हें चौथी किस्त का लाभ मिलेगा और जिनका इस माह पंजीयन हो रहा है 21 से 23 की उन्हें पहली किस्त अगले माह जाएगी। इस प्रकार अभी देखा जाए तो लगभग 400 महिलाओं को पंजीयन हो चुका है 21 से 23 साल की खंडवा शहर में, उन्हें भी सब लाभ दिया जा रहा है सभी महिलाओं को।